नवंबर में एक बार फिर मिलावटी दूध मिला। डेयरी प्रशासन को रामगढ़ से आने वाले दूध में मिलावट की शिकायत मिली थी। विजिलेंस टीम ने रामगढ़ से आए टैंकर की जब जांच की गई तो दूध में मिलावट की पुष्टि हुई। उसके बाद प्रशासन ने करीब 350 लीटर दूध को अधिकारियों की मौजूदगी में नाली में बहा दिया। सरस डेयरी में मिलावटी दूध का यह मामला पहला नहीं है। इससे पहले भी दूध में मिलावटी की पुष्टि होने पर डेयरी प्रशासन ने 9,450 लीटर दूध को नाली में बहाकर टैंकर को ब्लैकलिस्ट किया था। सरस डेयरी के नए चेयरमैन विश्राम गुर्जर एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। पद संभालते ही उन्होंने मिलावट को रोकने के लिए एक विजिलेंस टीम का गठन किया। इससे पहले भी विजिलेंस टीम ने मिलावट साबित करने के बाद करीब 9,000 लीटर दूध नाली में बहा दिया था। अब टैंकर चालक पर 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। चेयरमैन ने कहा कि अलवर सरस डेयरी लोगों तक गुणवत्ता पूर्वक सामग्री पहुंचाएगी, जो मिलावट करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि दूध के अलावा भी अन्य प्रोडक्टों को बेहतर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अलवर सरस डेयरी की नेगेटिव पहचान है, उसको पॉजिटिव करने का काम चल रहा है। इस तरह की कार्रवाई से मिलावट और मिलावटखोरों पर लगाम लग सकेगा। 3 महीने में तीसरी बहुत बड़ी कार्रवाई है और हमारे इस जिले के और शहर के लोगों ने हम पर विश्वास कायम किया है और उस विश्वास को मैं बरकरार रखते हुए इधर की तरफ मेरी मार्केटिंग में लोग 20,000 जो लीटर दूध पीते थे, आज 30 से 35 हज़ार लीटर दूध हमारे मार्केट में जा रहा है। वो हम पर विश्वास कर रहा है कि वास्तव में मिलावट पर रोक हुई है। इसलिए हमने ये तीसरी जो बड़ी कार्रवाई की है, रात को 3 बजे तक मैंने लगभग हमारे यहाँ 12 टैंकर चल रहे हैं, जिनमें से 7 टैंकरों को खुद ने खड़ा रहकर, कल मैंने एक टैंकर का पीछा किया बाइक से, मैं 3.5 घंटे तक उस टैंकर के पीछे रहा और मुझे कल 3.5 घंटे बाइक चलाने के बावजूद मुझे, मैं जिस तरीके से मैंने कार्य किया उसका मुझे भरोसा था कि ये काम होगा, तो वो उसको हमने पकड़ लिया लास्ट मोमेंट पर जाके रात को 2 बजे। और ये इस सरस डेयरी की लोगों की जनता के विश्वास के लिए ये कार्रवाई है। कहाँ का है और क्या पैलेंटी? ये रामगढ़ रूट से आता है और एक ठेकेदार, जिस ठेकेदार का एक टैंकर है, या तो उस ठेकेदार द्वारा मिली भगत की गई है या उसके ड्राइवर्सों ने किया, क्या किया है इसमें, जिस मानक से आपको दूध चाहिए उस मानक से इसकी आर एम कम पाई गई है और लगभग इसमें 3,500 लीटर दूध है। और ये रामगढ़ रूट पे हमारी सोसाइटियों में दूध जाता है, उन सोसाइटियों में बिल्कुल शुद्ध दूध पाया गया, उनकी भी हमने सैंपलों की जांच कराई। इसके क्या चालान की या जुर्माना? इसको हम ब्लैक लिस्टेड कर देंगे, ये अब सरस डेयरी में हमारे यहाँ चलेगा नहीं। जितना इस पर दूध का जो भी जुर्माना होगा वो पूरा इस टैंकर से भरा जाएगा। लगभग 1.5-2 लाख रुपए का दूध जो नष्ट किया है उसका हर्जाना और इसकी जो भी आगे की कार्रवाई है हमारी संघ के बायोलॉजी के हिसाब से, वो कार्रवाई अच्छी कार्रवाई करेंगे। जो आगे भी ऐसे लोग, दूध माफिया हैं जो लोग ऐसी कार्रवाइयों से रुके।